स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 में अलजेब्रा पढ़ना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपने डॉटर यानी बेटी से कह रही है, क्या कह रही है, 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्डर एज यू वेयर देम। बोल रहा है उसका आफ्ताब जो है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, एज का था, है ना। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और अभी से 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को हमको ग्राफ और अल्जेब्रा के थ्रू हमको रिप्रेजेंट करना, दर्शाना है, है ना। चलिए हिंदी में देखते हैं ये क्वेश्चन को। तो हिंदी में आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। इस स्थिति को बीजगणित और ग्राफ में व्यक्त करना है, यानी ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको हमको बीजगणित में इसको बनाना है, इसका इक्वेशन, उसके बाद इसको सॉल्व करके ग्राफ में दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को इससे लाभ हो, क्योंकि पहले हिंदी में सिर्फ डालते थे तो बहुत सारे CBSE के बच्चे बोले कि आप इंग्लिश में भी पढ़ाएं, इसलिए अब से जितना भी वीडियो रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में रहेगा। तो आप चाहे CBSE से हो, चाहे जैक बोर्ड से, या कोई भी बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, आप सभी इसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए आफ्ताब क्या कह रहा है अपनी पुत्री से यानी अपनी बेटी से कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, है ना, तुम जितना एज की थी उससे 7 गुना था मैं, 7 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा, है ना, क्या करना होगा, XY मान के चलना होगा, है ना। लेट प्रेजेंट एज, पहले देख लेते हैं ना, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, यानी कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु मतलब वर्तमान अभी जो चल रहा है उसको हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है, और आफ्ताब की पुत्री यानी उसकी बेटी की वर्तमान आयु को मान लेते हैं हम वाई, ठीक है। पुत्री मतलब डाउटर, तो डाउटर की आयु को हम वाई मान लेते हैं और आफ्ताब की आयु को एक्स, ठीक है। अब देखिए बोला है 7 साल पहले, तो क्या लिखेंगे, 7 ईयर्स एगो, यानी कि 7 साल पहले। 7 साल पहले क्या था, तो 7 साल पहले आफ्ताब की जो आयु है अगर हम अभी एक्स माने हैं, वर्तमान में अभी प्रेजेंट एज उसका अगर एक्स है, तो आफ्ताब का आयु 7 साल पहले कितना हो जाएगा, तो एक्स से 7 कम हो जाएगा। मान चलिए अभी अगर किसी का एज है 10 साल, तो 7 साल पहले क्या होगा, तो 3 साल होगा, यानी कि 7 साल माइनस कर देंगे तो 3 साल होगा। तो इसी तरह अगर अभी को हम मान के चले हैं एक्स, तो 7 साल पहले आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, तो एक्स माइनस 7, यानी एक्स में 7 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब उसका पुत्री का आयु, डाउटर की आयु कितनी हो जाएगी, तो उसको मान के चले हैं अभी वर्तमान में y है, तो क्या हो जाएगा, y में भी 7 साल पहले मतलब y में 7 साल कम हो जाएगा, तो y माइनस 7 हो जाएगा उसकी डाउटर की आयु 7 साल पहले, ठीक है। पहला स्टेप में 7 साल पहले कर लेते हैं। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में हमको बोला है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की आयु था वो कितना था, तो उसके बेटी के 7 गुना था, है ना। तो आफ्ताब की आयु अभी कितना है,
एक्स 7 साल पहले कितना है था, तो एक्स माइनस सात, 7 साल पहले आफ्ताब की आयु था एक्स माइनस सेवन। और क्वेश्चन बोला है कि ये जो एक्स माइनस सेवन हो किसके बराबर था, तो वो बराबर था उसका बेटी का 7 गुना के बराबर, है ना, 7 गुना था। तो उसका बेटी कितनी आयु की है, वाई माइनस सेवन, और इसका 7 गुना बोला था, इसमें क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू ये गुना हो जाएगा, तो 7 और वाई 7 वाई हो जाएगा, और ये 7 7 जा 49, 37 49, ठीक है। अब वाई वाई को एक्स और वाई को एक साइड कर देते हैं, एक्स ये प्लस में वाई है तो इधर आएगा, तो माइनस 7 वाई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 49, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7 वाई इज इक्वल टू 49 में 7 माइनस तो 42, क्लियर है। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा क्या है, क्या है कि 7 साल पहले आफ्ताब की आयु जो है वो अपनी बेटी से 7 गुना है ना, तो हम अभी प्रेजेंट मान लेंगे, पहले वर्तमान आयु को मान लेंगे। तो माना कि वर्तमान आयु ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की वर्तमान आयु एक्स, एक्स मान लेंगे आफ्ताब को, और उसका बेटी का वर्तमान आयु को वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि 7 साल पहले का बात किया है, तो 7 साल पहले कितना होगा, तो आफ्ताब की आयु एक्स अभी है, तो 7 साल पहले एक्स माइनस 7 हो जाएगा, एक्स में 7 कम, और उसका बेटी का आयु कितना हो जाएगा, तो अभी वाई है तो वाई माइनस 7 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 साल पहले आफ्ताब जो है वो अपने बेटी से 7 गुना आयु की था, आयु का था। तो आफ्ताब को लिख दिए इधर, आफ्ताब का आयु कितना था, तो इक्वल टू अपनी बेटी, उसकी बेटी का आयु, तो बेटी का आयु है वाई माइनस 7, और उससे कितना गुना था 7, तो इसलिए 7 से गुना कर दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व किए तो ये आ गया इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में क्या बोला है, 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद, यानी कि आफ्टर 3 ईयर, 3 साल या 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या बोला है, क्या हो जाएगा, तो अभी को हम मान के चले थे वर्तमान को x, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, है ना, किसका, आफ्ताब का, आफ्ताब की आयु, यहाँ पे लिखना बनाने समय, आफ्ताब की आयु बराबर x प्लस 3, या एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x प्लस 3, है ना, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। और उसका डाउटर की कितना हो जाएगा, डाउटर का आयु y था, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, y प्लस 3, 3 साल बाद की बात कर रहा है इसलिए इसमें जुट जाएगा, ठीक है। अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 साल बाद जो आफ्ताब की आयु है, आफ्ताब की आयु कितना है अभी, तो एक्स प्लस 3, 3 साल बाद एक्स प्लस 3 है, तो ये जो हो जाएगा कितना बोला है, अपने बेटी से 3 गुना, तो उसका बेटी कितना है, 3, कितना होगा 3 साल बाद, तो वाई प्लस 3 होगा, और इसका 3 गुना करना है, 3 गुना कर देना है, सिंपल है। अब फिर से इसको सॉल्व करें तो एक्स प्लस 3 इधर है, इधर वाई से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 वाई प्लस 3 दिया 9। अब फिर एक्स प्लस में ये है, इधर आएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू इधर 9, और इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो एक्स माइनस 3 वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए तो 6, ठीक है। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2, इक्वेशन 2, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है शुरू में कि वर्तमान को x मान लेंगे तो 7 साल पहले तो x माइनस 7 हो जाएगा, उसका बेटी को y माने हैं तो 7 साल पहले y माइनस 7 हो जाएगा, और क्वेश्चन के अनुसार बोला है कि आफ्ताब जो है उससे बेटी से 7 गुना है, तो आफ्ताब बराबर बेटी ये है उसका 7 गुना। सॉल्व किए तो इक्वेशन 1 आया। उसी तरह फिर 3 साल बाद देखेंगे तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, एक्स है वर्तमान में, तो 3 साल बाद हो जाएगा एक्स प्लस 3 आफ्ताब, और उसका बेटी जो है वो हो जाएगी वाई प्लस 3। अब फिर बोला है क्वेश्चन के अनुसार कि 3 साल बाद जो है आफ्ताब जो है अपनी बेटी से 3 गुना हो जाएगा, तो ये आफ्ताब है, 3 साल बाद आफ्ताब का ही एक्स प्लस 3 बराबर उसका बेटी वाई प्लस 3, और उसका 3 गुना कर दिए। फिर इसको सॉल्व किए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किए, और एक तरफ एक्स वाई कर दिए, और संख्याओं को एक तरफ, तो ये बन गया फिर से इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 दोनों को, और इसको ग्राफ में दर्शा देंगे, ठीक है। यहाँ तक इक्वेशन बन गया, दोनों का इक्वेशन बन गया है, अलजेब्रा में इसको एक्सप्रेस कर दिए हैं, अब सिर्फ इसको ग्राफ बनाना बाकी है। तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से पहले देखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 कितना आया था,
इक्वेशन वन आया था एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ में जब भी सॉल्व करना होगा तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्स या वाई का वैल्यू अपने से पुट करते हैं ना, कुछ भी पुट कर सकते हैं एक्स वाई की जगह में, 1, 2, 3, 4, 10, 12, 15, 100 कुछ भी पुट करेंगे एक्स या वाई में। तो एक्स पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा, वाई पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, है ना। जैसे पुट करके देखते हैं तो उसके लिए एक टेबल बना लेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे एक्स और वाई कितना रख रहे हैं उसको। ठीक है, कम से कम दो वैल्यू बनाएंगे तो एक्स और वाई। तो पहले इसको एक्स को एक साइड कर लेंगे, इज इक्वल टू माइनस 42 है, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस 7y। ठीक है, ऐसा कर दिए ताकि एक्स का वैल्यू हमको निकालने में आसान हो। ठीक है, अब चूंकि बराबर से इधर वाई है तो वाई का वैल्यू का हम पुट करते हैं अपने से, है ना। तो वाई का वैल्यू अगर रख देते हैं 0 या 1 या 2 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर 0 रखते हैं तो ये 7 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो 42 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। और 42 यानी कि इसको ग्राफ बनाने समय दिक्कत होगा, 42 तक जाना होगा, है ना, लंबा बनेगा ग्राफ। तो इसलिए इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या वैल्यू रखेगी, छोटा काम में छोटा ही ग्राफ में काम चल जाए, है ना। जैसे इसमें हम वाई की जगह लिख देते हैं, मानिए चलिए मान लेते हैं वाई को 5। अब क्या होगा, तो वाई 5 माने हैं तो वाई को यहाँ 5 रखेंगे वाई की जगह, तो इधर 42 है प्लस 7 यहाँ पे 5 रखें इंटू 5, वाई को 5 माने इसलिए। अब क्या हो जाएगा, 42 माइनस में ये प्लस 7 5 35। अब इसको प्लस माइनस माइनस होता है, 35 माइनस करेंगे तो 7 आएगा माइनस में, तो ये किसका वैल्यू आया, एक्स का। तो वाई का रखे तो एक्स का आ गया, तो एक्स में रख देंगे कितना आया, माइनस 7। क्लियर है। इसी तरह और एक वैल्यू रखना है, तो एक्स बराबर इक्वेशन है 42 प्लस 7y, इसमें फिर और एक वैल्यू रखते हैं, इसमें मान के चलिए अब 6 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 42 प्लस 7 इंटू 6 तो हो जाएगा माइनस 42 प्लस 7 42। तो प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो 0, तो क्या आ गया एक्स का वैल्यू 0, तो यहाँ रख देंगे 0। क्लियर है, तो इसका दो वैल्यू आ गया, अब इससे हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये पहला इक्वेशन का आ गया वैल्यू। अब इसी तरह देखते हैं इक्वेशन टू का, समीकरण टू से, इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू कितना आया था, इक्वेशन टू आया था एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये इक्वेशन टू आया था, जिसका भी x इज इक्वल टू कर देते हैं 6, ये माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस 3y। ठीक है, अब फिर से इसका वैल्यू रखते हैं x और y, तो इधर y है तो y का वैल्यू रखते हैं, तो y इधर 0 भी रख सकते हैं क्योंकि ये छोटा नंबर है, 6 है तो ये छोटा ही आएगा, है ना। तो मान चलिए y में 0 रख दिए, ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3 इंटू 0, तो कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 तो बच गया क्या 6, तो x का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, अब और एक वैल्यू रखते हैं, x बराबर 6 प्लस 3y है, अब y में मान के चलिए 1 रख लेते हैं, है ना, कोई वैल्यू रख सकते हैं अपने से, तो 6 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 यानी कि 9, तो x कितना आ गया 9। क्लियर है, इस तरह से x और y दोनों का वैल्यू हमको निकाल लेना है, उसके बाद इसको फिर ग्राफ में पुट कर देना है। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा इसका। तो चलिए ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे हम 7 तक लिए हैं ग्राफ में, इधर क्या होता है x, तो x लिखे इधर x डैश लगा दिए, ऊपर y होता है और नीचे y डैश, ठीक है, तो नीचे y डैश लिख दिए। अब इसमें नंबर पुट करना है, नंबर बैठाना है, तो नंबर हम 7 तक लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 चारों तरफ 7 तक लिए। क्यों 7 तक लिए, क्योंकि हाईएस्ट नंबर 7 ही है, है ना, तो जितना हाईएस्ट रहेगा उतना ही तक लेंगे, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम कैसे दर्शाएंगे ग्राफ में उसको देखते हैं, पहले इक्वेशन में देखते हैं, पहला इक्वेशन में एक्स है माइनस 7, तो एक्स में खोजेंगे माइनस 7, ये एक्स वाला लाइन है तो इसमें माइनस 7 यहाँ पर है, ठीक है। अब वाई इसका कितना है, 5, तो y में 5 देखेंगे, प्लस 5 है तो ऊपर जाएगा ये है, तो 7 और 5 कहाँ पे मिलेगा, तो 7 ये 5 का सीधा करेंगे ऐसा, तो इसका सीधा आ जाएगा
सेवन से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। स्केल से सीधा करेंगे और अच्छा से ग्राफ कॉपी में इसको बनाना है तो और सीधा सीधा बनेगा, है ना। सिर्फ अभी समझाने के लिए हम इसमें बना रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे आया क्या, माइनस सेवन और फाइव, तो यहाँ लिख देंगे माइनस सेवन फाइव, ठीक है। एक पॉइंट बन गया। दूसरा इसी का जीरो है, आया है एक्स और वाई है सिक्स, तो जीरो तो यहाँ ही होगा, एक्स रहे चाहे वाई रहे, वाई दोनों का जीरो यहाँ होगा। अब वाई है सिक्स तो वाई सिक्स प्लस में तो ऊपर जाएगा यहाँ, इसका सीधा कहाँ हो रहा है तो यहीं पर हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे जीरो और सिक्स, तो दो पॉइंट बना। तो दो पॉइंट जो बना, एक इक्वेशन का दो पॉइंट बनेगा, दोनों से लाइन खींच देना है दोनों को इस तरह से, ये दोनों को मिला करके और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये बन गया इक्वेशन वन का ग्राफ, ठीक है। अब इक्वेशन टू में आते हैं, तो इसमें सिक्स है एक्स का वैल्यू, वाई का जीरो, तो एक्स में सिक्स कहाँ पे है, यहाँ है, और वाई जीरो, तो सीधा इसका कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, तो यहाँ लिख देंगे सिक्स और जीरो। याद रखें पहले एक्स को लिखेंगे फिर वाई को, है ना, तो एक्स का वैल्यू सिक्स फिर वाई है जीरो, तो सिक्स जीरो, ये पहला पॉइंट बना यहाँ पे। दूसरा पॉइंट, एक्स में नौ है वाई में एक, अच्छा नौ तक गया है एक्स, है ना, तो यहाँ पे नौ तक बढ़ा देते हैं, ये आठ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नौ, ठीक है, इधर एक्स कर देते हैं, तो नौ तक है, जितना हाइएस्ट रहेगा वहाँ तक बढ़ाएं रखेंगे नंबर, है ना, तो ये नौ हो गया, तो नौ एक्स में और वाई में एक, तो यहाँ पे एक है, तो इसका सीधा एक का सीधा नौ तक यहाँ पे, तो यहाँ आया, तो यहाँ लिख देंगे क्या, नाइन और वन, ठीक है। तो इसका दो पॉइंट बना, एक ये और एक ये, तो इससे भी दोनों को मिला करके दोनों पॉइंट कटना चाहिए, है ना, दोनों को मिला करके एक लाइन इस तरह से खींच देंगे, तो ये किसका लाइन हुआ, इक्वेशन टू का। तो यही हमको करना था, ग्राफ में प्लॉट कर देना था, अलजेब्रा में एक्सप्रेशन जो वर्ड में दिया हुआ था उसको अलजेब्रा के फॉर्म में ला करके उसको ग्राफ बनाना था, तो ये काम हो गया, है ना। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दो क्वेश्चन और है, दोनों को बताते हैं, एक और क्वेश्चन बताते हैं, एक अपने से कीजिएगा, एक और क्वेश्चन बताएंगे तो थोड़ा बहुत डाउट जो होगा वो जरूर से जरूर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज थ्री बॉल्स, थ्री बैट्स एंड सिक्स बॉल्स फॉर रेस्ट 3900। यानी कि एक कोच है क्रिकेट का, वो तीन बैट खरीदा और छः बॉल खरीदा और उसका पैसा कितना दिया, 3900 रुपया। लेटर बाद में सी बाइज अनदर बैट एंड टू मोर बॉल्स, उसके बाद फिर से एक बैट और दो गेंद खरीदा उसी तरह का, है ना, सेम काइंड, फॉर 1300 रुपया में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, यानी इसको भी अलजेब्रा के फॉर्म में लाना है और फिर इसका ग्राफ बनाना है, ज्योमेट्री में इसको दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। यानी क्रिकेट की टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में तीन बल्ला तथा छः गेंद खरीदा, 3900 में तीन बल्ला खरीदा और छः गेंद, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी तरह प्रकार का तीन गेंद खेला खरीदा कितना में, 1300 रुपया में। तो इसको हमको ग्राफ में दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा, माना कि इसमें क्या क्या है, गेंद और बॉल है, गेंद और बैट है, है ना। तो माना कि बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य को मान लेते हैं हम 1000 रुपया, ठीक है, ये आसान है, उससे और आसान है, है ना। इसमें सिर्फ 100 मान लेते हैं बल्ला और बॉल को। तो माना कि बल्ले का मूल्य 1000 रुपया, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो लेट कॉस्ट ऑफ बैट्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स मान लेते हैं बैट का कॉस्ट को, और गेंद का मूल्य यानी कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू वाई, गेंद का मूल्य को वाई मान लेते हैं और बल्ला को एक्स, ठीक है। अब क्या बोला है, पहला सिचुएशन, सिचुएशन वन, सिचुएशन वन में बोला है कि तीन बल्ला और छः गेंद खरीदा, ठीक है। तो तीन बल्ला खरीदा होगा
तो एक बल्ला का मूल्य अगर हम मान के चले हैं एक्स, तो तीन बल्ला का कितना हो जाएगा, तीन एक्स प्लस गेंद कर छः खरीदा, तो एक गेंद का मूल्य वाई है, तो छः गेंद का कितना हो जाएगा, छः वाई गुना हो जाएगा। यानी कि इसमें अगर हम जो बल्ला का मूल्य है एक्स है, अगर इसके जगह रहता दस, तो तीन बल्ला खरीदा तो कितना हो जाता, दस या तीस रुपया, यानी गुना हो जाता है ना। इसीलिए एक्स माने हैं तो एक्स में तीन बल्ला खरीदा तो तीन से गुना कर दिए, और वाई माने हैं बॉल को और छः बॉल खरीदा तो छः से गुना कर दिए, ठीक है। और टोटल पैसा कितना दिया था दोनों मिला करके, तो दोनों मिला करके पैसा लगा था 3900, तो लिख देंगे 3900 रुपये, क्लियर है। इसी तरह दूसरा सिचुएशन क्या है, ये बन गया समीकरण वन या इक्वेशन वन। दूसरा सिचुएशन बोला था कि उसी तरह का एक गेंद, तो एक गेंद मतलब एक बल्ला है ना, तो एक बल्ला मतलब वन एक्स प्लस गेंद कितना लिया था दूसरा बार में, तो तीन गेंद, तो हो जाएगा 3y, और इसका पैसा कितना लगा था, तो 1300। ये बन गया इक्वेशन टू, क्लियर है। अब फिर से इक्वेशन वन और टू दोनों को सॉल्व कर देना है और इसको ग्राफ में दर्शा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं समीकरण वन से, समीकरण वन से लिखेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 है ना। अब इसको भी x को एक तरफ कर देते हैं, तो 3x बराबर हो जाएगा 3900, ये प्लस में इधर माइनस में। अब यहाँ पे क्योंकि x का 3 भी है, तो 3 को भी उधर कर देना, इधर सिर्फ x होना चाहिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3900 माइनस 6y बाई, ये मल्टीप्लाई है तो इधर बाई में आ जाएगा, डिवाइड में 3। तो ये हो गया, अब सीधा सा साफ सुथरा x हो गया। अब यहाँ पे हम y का वैल्यू रखते जाएंगे तो x का वैल्यू आते जाएगा, है ना। तो वही एक टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे x और y। अब देखिए इसमें y का वैल्यू कितना रखें कि x का वैल्यू आए, तो y का वैल्यू तो हम 0, 1, 2, 3 ऐसा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर 0, 1, 2, 3 रखेंगे तो ये 3900 है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या आ जाएगा, और उसको फिर से ग्राफ में दर्शाने में हमको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे, है ना। जैसे कितना बड़ा ले, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसा ले लेते हैं, है ना। तो जैसे हम ले लेते हैं 500, ठीक है। तो y अगर 500 लिए तो क्या होगा, देखिए 3900 माइनस 6 और y की जगह लिए हैं 500, तो 6 गुना 500 डिवाइड बाई 3 है। अब इसको सॉल्व करें तो 3900 माइनस 6 पचे 30 और 20 बटा 3, फिर से इसको माइनस करें तो 3900 में 3000, 3000 माइनस करेंगे तो 900 बटा 3 काटेंगे तो 3 × 3, 3 × 9 यानी कितना आ गया 300, ठीक है। अब और एक वैल्यू रखना है, तो x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6/3 इंटू, अब y में क्या रखें, तो y में अब रख लेते हैं 600, तो 600 रख दिए। अब कितना आ जाएगा, 3900 माइनस 6/6 3600, ठीक है, बाय 3। अब 39 में 3600 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300/3, फिर से काटे तो 3 × 1 = 3 और 2 = 0, तो ये हो जाएगा कितना आया, 100, तो लिख देंगे 100। तो पहला सिचुएशन का ग्राफ आ गया, ग्राफ का वैल्यू आ गया, इसको ग्राफ में रख देंगे। अब देखते हैं दूसरा सिचुएशन में, यानी समीकरण टू से, फ्रॉम इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में क्या है, तो इक्वेशन टू है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो इसमें भी x इधर रहने देते हैं, ये हो गया 1300, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। अब फिर से इसका वैल्यू रखते हैं एक्स वाई, जिसमें तो सिर्फ इधर x केवल बचा हुआ है, तो और कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रखते जाना है। तो यहाँ भी 1300 है, एक दो रखेंगे तो बहुत भारी आने वाला है, इसलिए बड़ा नंबर रखेंगे। यानी मान के चलो हम यहाँ रख देते हैं y की जगह रखना है ना, तो y की जगह रख देते हैं 300, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 3 गुना y की जगह 300, तो हो गया 1300 माइनस 3 × 3 = 900। अब 900 में 1300 माइनस करें कितना आ जाएगा, 9 × 4 = 13, 400, तो लिख देंगे यहाँ पे 400, क्लियर है। अब फिर से x इज इक्वल टू 1300
माइनस तीन गुना वाई का वैल्यू रखना है, कितना रखें 300 रखे थे तो अब रख देते हैं 400 रख देते हैं, चलिए तो 400 रख दिए, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 1300 माइनस चार दिया 1200, तो 1300 में 1200 घटाएंगे तो 100, तो ऊपर आ गई, लिख देंगे एक्स में 100 आ गया दोनों वैल्यू। अब फिर से इसको ग्राफ में प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो ग्राफ आपके लिए छोड़ रहे हैं, ग्राफ आप दर्शा सकते हैं, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहीं पे शॉर्टकट में हम ग्राफ बता दे रहे हैं कैसे करना है। जैसे ऐसा ये लाइन खींचेंगे, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, इधर वाई डैश होगा, इधर एक्स डैश होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे 400 500 600 ऐसे दर्शाना है, तो क्या करेंगे एक का 100 लेंगे, ठीक है। एक दो तीन चार करके अगर 100 400 लेंगे, 500 तक पहुँचाना चाहेंगे एक दो लिख करके, तो पूरा कॉपी ख़त्म हो जाएगा, उसमें भी नहीं बनेगा, है ना, पूरा पेज ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक एक सौ लेंगे, 100 200 300 400 500 600, ठीक है। ऊपर भी 100 200 300 400 500 600 ऐसा। इधर माइनस में होगा 100 माइनस 200 माइनस 300, ऐसा माइनस में कोई नहीं आया इसलिए इधर इतना ही लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे, तो पहला इक्वेशन का ये है, तो पहला इक्वेशन देखेंगे एक्स 300 है, वाई 500 है, तो 100 300 एक्स में 300 ये है, वाई में 500 यहाँ पर है, तो इसका सीधा करेंगे ऐसा, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ लिख देंगे क्या 300 कोमा 500, ठीक है। दूसरा में 100 है एक्स में, वाई है 600, तो एक्स में 100 यहाँ और वाई में 600, तो इसका सीधा यहाँ से आते आते यहाँ पर आएगा, है ना, ये 600 है, तो यहाँ लिख देंगे 100 कोमा 600। अब ये दो पॉइंट बना, एक ये और एक ये, तो ये दोनों को मिला करके ऐसा लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन वन का, क्लियर है। इसी तरह इक्वेशन दो का देखेंगे, तो एक इक्वेशन दो में 400 है, तो 400 यहाँ पर है और वाई आया है 300, तो 400 वाई 300, इसका सीधा यहाँ से देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये एक पॉइंट बना 300 कोमा 400। दूसरा 100 है एक्स में, तो यहाँ 100 है, वाई में 400, तो यहाँ पे 400 है, तो यहाँ पे आ गया इसका सीधा, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट बन रहा है, तो ये दोनों से फिर से ऐसे करके खींच देंगे, ये हो गया इक्वेशन टू का। इस तरह से हमको ग्राफ बनाना है, इसको बड़ा पेज में आप साफ से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, सेम टू सेम इसके जैसा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जैसा, है ना, तो उसको आपके लिए छोड़ रहे हैं। उसमें सिंपल इसी के जैसा करना है, जैसे इसमें बल्ला का मूल्य एक्स माने थे, बैट का मूल्य एक्स और बॉल का वाई, उसके बाद से जितना जितना लिए हैं उतना उतना से गुना करके जोड़ते गए हैं, वैसे ही अगला क्वेश्चन में करना है। उसमें सेब और अंगूल दिया हुआ है, 2 kg सेब का मूल्य और 1 kg, 2 kg सेब और 1 kg अंगूल लिए, दोनों का पैसा 160 रुपया दिए दोनों मिला के, तो वहाँ पर लिख देना एप्पल का एक्स मान लेना कॉस्ट को और ग्राफ्स का वाई, और 2 kg अगर एप्पल होगा तो 2x हो जाएगा प्लस 3 kg ग्राफ तो 3y, इस तरह से जोड़ करके जो पैसा दिया हुआ है उसको लिख देंगे। यानी सेम इसी के जैसे करना है और कुछ दिमाग अलग से नहीं लगाना है, सेम टू सेम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन के जैसा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है तो उसको आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के देखिएगा, और अगर ना बने तो आप हमें कमेंट करें या व्हाट्सअप अगर है मेरा तो व्हाट्सअप में आप मैसेज करें, तो हम फिर से उसको और अच्छा से समझाने का कोशिश करेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।